दीवार और कर दी दीवार नु मत कोई ना आ जा इसमें बाद ही रखोगे भाई के बाद एक सेकंड भी अभी कर कल के बाद पेनल्टी लगनी हो जाएगी बढ़िया भाई साहब कैसे हो वैसे निरीक्षण जिधर होता है रहा खेलने ये किसका है थ्री व्हीलर सा पता नहीं किसका श्रेय है ये रोजाना ही खड़े हर सुबह ये खड़े होते हैं इनका है सामने वालों का इनका रावड़ा वालों अरे भैया किसका है थ्री व्हीलर भैया हेलो एक मिनट चार्ज लगा के भी लग जाएगा उसमें अक्षय मित्तल जी जिला पंचायत चेयरमैन यहाँ आए निरीक्षण किया तो किस तरह की व्यवस्था हाँ वो आज आए बहुत अच्छा लगा आज से पहले एक ये ऐसे जिलाध्यक्ष बने हैं जो आज अचानक आए अब से पहले कई बार हमने वहाँ शिकायत करी जो इनसे पहले
अध्यक्ष रहे, कभी भी यहाँ नहीं आए, अधिकारियों की भी काफ़ी लापरवाही रही। तो आज ये अच्छा लगा कि आज डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी आए, हमारी समस्या देखी, मार्केट की समस्या देखी, मार्केट की जो हालत है वो देखी, और उन्होंने हमारी सारी बातों को संज्ञान में लिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी मार्केट की छतों पर फैले हुए तार, टॉयलेट और मार्केट की जो अन्य समस्याएं हैं उन सभी का निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा। अच्छा, कुछ समस्या ऐसी है जो यहाँ के जो व्यापारी है उनके द्वारा पैदा की गई, जिस तरह गंदगी पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और जहाँ आप लोग रह रहे हैं वहाँ कई जगह गंदगी के ढेर मिल रहे हैं। हाँ, ये बात है, गंदगी के ढेर हैं। सफाई कर्मचारी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सिर्फ एक ही है, महिला सफाई कर्मचारी है, उससे पहले उसके पति थे, वो एक्सपायर हो गए, तो सहानुभूति में हमने उस महिला को ही सफाई कर्मचारी यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से जितना भी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जाता है, जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो सफाई कर्मचारी मार्केट को दे, लेकिन नगर पालिका ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। वो भी आज हमने डॉक्टर साहब से शिकायत दर्ज कराई अपनी। चेयरमैन साहब, जिला परिषद मार्केट में आप आए हैं, क्या यहाँ देखा गया? आज जिला परिषद मार्केट का अचानक निरीक्षण का कार्यक्रम तय हुआ। हमारे जिला पंचायत के सभी अधिकारी और जिला पंचायत के मेरे सम्मानित मेंबर मेरे साथ आए, वो आए थे पहले, और जिला पंचायत का ये जिला परिषद मार्केट बनवाया हुआ, इसकी जो व्यवस्था है वो देखने के लिए और क्या इसमें हम करा सकते हैं जिला पंचायत के माध्यम से उसके लिए, और क्या यहाँ इन लोगों को कठिनाई आई है, सब जानने के लिए आज यहाँ पर आना हुआ। सबका निरीक्षण किया ऊपर से नीचे तक, वो सब हमने देख लिया। अधिकांश अतिक्रमण, बरामदे पर अतिक्रमण है जो लोगों के लिए चलने के लिए है, वहाँ पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा, जो पार्क की हालत भी पूरी तरह से चीर्ण चीर्ण है, तो उसके लिए कोई विशेष? पार्क के लिए मुझे लगता है कि पार्क मेंटेन किया हुआ नहीं, ये हमारे सम्मानित जितने भी हैं व्यापारी बंधु, इनकी जिम्मेदारी है पार्क को मेंटेन करने की। जिला पंचायत जो इसमें कर सकती है वो किया भी, आगे भी करेगी, लेकिन पार्क का मुझे लगा सबसे ज़्यादा दुख यह हुआ कि जहाँ हम वृक्षारोपण भी करते हैं और हमारे ग्रीनरी रहनी चाहिए और इसमें जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो इस जिला परिषद मार्केट को नहीं मिल रही, इसे पार्क की बहुत बड़ी दुर्दशा यहाँ पर है। और हमने सबने व्यापारी बंधुओं को बता दिया कि यह आपकी जिम्मेदारी है, आप मिलजुल कर इस पार्क की व्यवस्था अगले हम जब कभी निरीक्षण करेंगे उससे पहले ये सब ठीक हो जानी चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी है और बड़ी बड़ी दवाइयों की एजेंसी है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मामला, उसके बावजूद यहाँ पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। ये मैं चेतावनी तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं सलाह भी देना चाहूँगा और मैंने अपने बंधुओं को जो साथ थे उनको भी कह दिया कि अब की बार आप एक महीने के अंदर अंदर जहाँ भी आप निकलेंगे वहाँ पर आप कोने में गंदगी का अंबार लगा देखेंगे, तो जिसकी जो दुकान है वो अपनी दुकान के सामने किसी तरह के भी पान की पीक हो या कागज़ पड़े या इतनी गंदगी पड़ी कि देखकर वास्तव में बहुत ख़राब लगा। और ये इसको आप अच्छी तरह से समझें, जो मेरे व्यापारी बंधु हैं बहुत नम्र निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप इस व्यवस्था को, यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर लें, ये गंदगी यहाँ से हट जानी चाहिए। ये सबसे ख़राब देखने को लगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी पूरे मार्केट में सबकी दुकानों के सामने है। दूसरे जो एक्रोचमेंट की हवा की डब्बे पड़े हुए निकलने का रास्ता नहीं, ये जो जिला पंचायत ने मार्केट बना के दिया था, जो व्यवस्था जब की थी उसी व्यवस्था के अनुरूप आप अपने वाहन खड़ा करें और किसी भी तरह का कोई बरामदा उसमें अवरोध पैदा ना हो, या आप अपने एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी व्यवस्था को सुचारू करें। बिल्डिंग का इशू है, कई जगह बिल्डिंग की हालत ही इस तरह की है, कोई जहाँ मेंटेन की जरूरत है, जहाँ बिल्डिंग टूटी हुई है, जहाँ हम करा सकते हैं हमने नोट कर लिया, उस बिल्डिंग की भी हम मरम्मत करा के देंगे, मरम्मत कराएंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था भी है क्योंकि जो हम अपने माध्यम से भी, हम दुकानदार हैं, हमारे सामने कोई ख़राब किसी तरह का है, कोई सीमेंट उतरा हुआ, तो हम अपने स्वयं के माध्यम से भी उसको कर सकते हैं। और एक बिजली की तारों की व्यवस्था देखने में आई कि जो बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर जो तार लाए गए उसकी व्यवस्था हम आज ही बिजली विभाग से कहेंगे वो कराएंगे, लेकिन जो दुकानदारों ने केबिल तार इत्यादि डाले हुए वो व्यवस्था आप लोगों की है, उस व्यवस्था को आप उसको ठीक कर। हाँ।
तो यार मंदर बढ़ रहा।